लोकसभा चुनाव से कांग्रेस के उम्मीदवार सरदार रवनीत सिंह बिट्टू ने गिल हलके में चुनाव प्रचार करते हुए लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत सिंह बैंस को कहा कि अब वो फिरोजपुर जाकर सुखबीर बादल के खिलाफ चुनाव लड़े। ते पर मैं बैंस साहब नूं ये जरूर गल कहूंगा भी बैंस साहब तुसी कहंदे सी बादल अपने पत्ते खोल दे नहीं गए, बादलों ने अपने पत्ते खोलते हैं। हुण वो तो दोनों इलैक्शन लड़न तैयार हो गए। तो मैं जदों जलालाबाद इलैक्शन लड़न गया सी बादलों नाल ते हिम्मत की सी उदों, ते पर तुसी कहंदे सी, मैं तो कहना उरे भी लड़ो, ये नहीं कोई गल भी तुसी सोचो कि मैनू ये उरों कहंदा जाओ, पर तुसी हुण देखदे आ भी जिहड़े कहंदे सी भी मैं अपनी गल तो जो बैंस कहंदा कदे पिछे नहीं हटदा, हुण देखदे आ भी बैंस सुखबीर बादल नाल लड़दा जां अपनी गल तो पिछे हटदा, हुण पता लग जाएगा। ये जो बलदां दी दौड़ आ जी, ये साडे दादा जी उन्हां दा शौक सी, महाराजा भुपिंदर सिंह ने पहला मेला कराया सी पटियाले च, उदों मेरे दादा जी ने मैच जीती सी, साडे हड्डां च रचिया होया। उस तो बाद बादल साहब ने मुक्तसर माघी ते मेला कराया, पंज स्टेटा थोड़े वीर ने जितियां सिंधे ने। ये पंजाब दा एक बड़ा वड्डा विरसा, साहब बेअंत सिंह हल बहुंदे हुंदे सी साडे बजुर्गां दे नाल, उन्हां नूं भी पता भी परवाह ये दर्द की हुंदा। इसलिए मैं बेनती की थी बिट्टू जी ने भी ये अपना खेडों का विरसा भी चालू होना चाहिए। बिट्टू जी ने साड़ी बड़ी वधिया कानून के दायरे च रह के बड़ी वधिया मदद की आ, ते साडा जो केस सी गवर्नर साहब तक पहुँचाया, हुण देखो राष्ट्रपति साहब को चले गए है जी, उहदे करके असीं सन्मानित किया असीं इन्हां दे, इहदे ऋणी आ बिट्टू जी दे, सारे साडी क्लब का फैसला भी इन्हां नूं वध तों वध वोटां पा के जिताउणा साडा फर्ज आ। इत्थे जिन्ने भी बैलगड्डी दौड़ां पहलां हुंदियां सी उहनां नूं काफ़ी देर तों बैन लग्गा होया सी, पर बिट्टू जी दे उपराले नाल इह बैन खुल गया, पंजाब सरकार ने विधान सभा पास करता, और यह आने वाले समय जल्दी ही राष्ट्रपति साहब तो पास होकर यह लागू हो जाएगा, दोबारा बैलगड्डी दौड़ा शुरू हो जाएगा।